एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल. प्लीज डोंट माइंड माय हेयर, इतने छोटे लग रहे हैं मुझे आज. सो अभी मैं जा रही हूँ राशन लेने, क्योंकि घर का राशन ख़त्म हो गया और आज 7 तारीख हो गई है. वैसे मैं 1-2 तारीख को ले आती हूँ, आज काफ़ी लेट, अब की बार लेट हो गई अपने बर्थडे वगैरह के चक्कर में, पर अब लाना पड़ेगा. और कुछ सब्जियाँ लानी है मुझे, क्योंकि घर में सब्जी भी नहीं है, क्योंकि हम 1-2 दिन से बाहर ही खा रहे थे, जबकि मैंने कल दिन में वैसे खाना बनाया था, बट अभी हम 1-2 दिन से बाहर ही खा रहे थे. तो मैं अभी जा रही हूँ राशन लेने और सब्जी लेने, और मेरे को थोड़ा सा भूख लग रही है, तो शायद कुछ खाने भी. तो पहले हम लोग बोजो को देख के आते हैं. बोजो आज नंगू बैठा है, नंगू बोजो है आज. ये है हमारा नंगू बोजो, बोबू तुम छोटू बोबू. हाँ, Look at him. आनी 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 आनी. नीनी आई आपको? चलोगी? चलोगी आप? इसको नींद आई है और ये चलना भी नहीं चाहता है. सुअक्कड़, सीरियस सुअक्कड़. और मुझे आके आज 2-4 वीडियो शूट करनी है, क्योंकि मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई थी. यस, मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई थी, तो मुझे आके ये वीडियो शूट करनी है. और यस, है ना, वो नहीं आगे वीडियो शूट करनी है ना. सो यस, अब मैं जा रही हूँ, जल्दी से तैयार होती हूँ, फिर काम पे जाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि काम होता नहीं है टाइम से. और मैं ब्लॉगिंग बहुत लेट शुरू कर रही है आज भी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है. मेरी नाक चौक हो रही है, मेरा गला भी आपको बहुत भारी टाइप का, मेरी आवाज़ भी चौक हो रही है अभी, है ना, है ना. और मुझे अभी कुकिंग चैनल पे भी ध्यान देना है, मुझे सारा काम वापस से रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काम सारे बिखर चुके हैं, अपनी लाइन से इधर उधर हो चुके हैं, तो मुझे सारा का सारा काम करना पड़ेगा अभी. सो हाँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद तैयार होके. तो गाइस, आई मैंने स्किन पे कुछ अप्लाई नहीं किया है. आप देख रहे हैं ये मार्क ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, पर ये हल्का हो गया है अभी. मैं क्या कर रही हूँ, मैं डेली रात को सौंदर्य एलोवेरा जेल और विटामिन ई की कैप्सूल मैंने मिला के रख ली है, और मैं उसे पूरे चेहरे पे लगा के सो रही हूँ. मैं कोई क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ये हल्का हल्का हो गया है और बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहा है. आप देख रहे हो मेरी पूरी स्किन क्रिस्टल, टचवुड, मेरी पूरी स्किन क्लियर है. सिर्फ इसके कारण मुझे अपने बर्थडे पे और कहीं कहीं हमें जाना होता, तो इस दाग के कारण मुझे एक्स्ट्रा मेकअप करना पड़ता है, क्योंकि दाग बहुत ही वाहियात लगता है सामने से. और कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मतलब जो फ्रेंड्स हैं हम लोगों के, जो आपने बर्थडे में देखे होंगे, उन्हें जब मुझे केक लगाया था नाक पे, उसके बाद उन्हें ये बोला कि वो केक अभी तक मेरी नाक पे लगा हुआ है, पर वो केक नहीं, वो ये दाग था. फिर मैंने बोला नहीं, ये किसी मकड़ी ने पी करा या क्या किया पता नहीं, ये दाग पड़ गया. सो अभी आज मैं यूज़ करूँगी, आज मैं दाग को नहीं ढक रही हूँ, जो है सो है. तो ये है इनवेडा बीबी क्रीम, क्योंकि मैं बहुत मेकअप करके परेशान हो चुकी हूँ. 8-in-1, और इसका कलर मैट है, मैंने फेयर नहीं ली, तो ये मैट कलर की है. तो मैं आज बीबी क्रीम लगाऊँगी अपनी स्किन पे, लाइक स्मॉल स्मॉल डॉट से. रेट वाइज से काफ़ी ज़्यादा, रेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा छोटी आती है ऐसा लगता है मुझे. आई थिंक दैट इज इनफ. अब ऐसे मसाज करूंगी. कभी कभी आपको ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती है. अब जो जो स्किन पे दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है ना. सिर्फ इतना मेकअप करने वाली हूँ मैं, सिर्फ वो इनवेडा बीबी क्रीम लगाई है, एक लिपस्टिक, एक लाइनर. मुझे सिर्फ अपनी आईब्रो फिल करनी है, और काजल वगैरह मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ. तो मैंने ये मेकअप किया है, और मेरे बाल अभी तक कर्ल है, आप देखिए बहुत अच्छी तरह से कर्ल है. और अब मैं फ़ोन को चार्जिंग पे लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं अभी चाय पी रही हूँ. मैं अपने हस्बैंड को कॉल अप कर रही हूँ कि वो आ जाए, उसके बाद हम लोग चलेंगे शॉपिंग पे. सो कल से ब्लॉग्स नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब जो घर के ब्लॉग्स रहते हैं, क्योंकि आज तक का मेरा बाहर का काम था, उसके बाद सब घर के ब्लॉग शुरू हो जाएंगे, और सब कुछ नॉर्मल रूटीन पे शुरू हो जाएगा.
कुकिंग वीडियो भी जल्द से जल्द आ जाएगी 1-2 दिन में, और अब मैं पंचुअल रहने की कोशिश करूँगी वहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे थे सब कुछ। और मुझे सबको शूट भी करके रखना पड़ेगा पहले से, क्योंकि हम लोग पचमढ़ी जा रहे हैं मेरी एनिवर्सरी के टाइम पे, मतलब हम लोग 17 तारीख को पचमढ़ी जा रहे हैं, 18 को एनिवर्सरी है। और हाँ, तो मुझे सबको प्री शेड्यूल होकर चलना पड़ेगा कि आपको मैं एक भी दिन निराश ना करूँ। सो मैं आपको मिलती थोड़ी सी देर बाद, बाय। मैं भी इनके ऑफिस आई थी तो कुछ काम निपटाना था, हम लोग बहुत दिन से काम नहीं कर पा रहे थे ऑफिस का, लड़कों के ऊपर था तो कुछ काम निपटा लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं टी गेट पे, थोड़ा मेरे को सब्ज़ी लेनी है, मैंने राशन ले लिया है, राशन लेके हम लोग आ गए थे, 1.5 घंटे से यहाँ पे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ, टी गेट पे और उसके बाद ही मैं आपसे कार में ही बात करती हूँ डायरेक्ट। चलो, एक सरप्राइज़ आने वाला है। सरप्राइज़ क्या, मैं उसे पहले ही बता देती हूँ कि आप लोग थोड़ा एक्साइटेड रहें। 14 फरवरी को आने वाली है लव स्टोरी, और जो बहुत महीनों से आप लोग बोल रहे थे लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी, तो वो अभी शूट होने वाली है जल्द से जल्द, है ना? यस। सो 14 फरवरी को आ रही है लव स्टोरी। आफ्टर इतने सारे उसके बाद मुझे लगा अब शेयर कर देनी चाहिए। और भी कोई रिक्वेस्ट है आप लोगों की तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, कि अगर आपको कुछ और भी जानना है तो लव स्टोरी 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे के दिन। एक्साइटेड एक्साइटेड यस हाँ, सो आई एम सो एक्साइटेड शेयर करने के लिए। और बस अब मेरे को उसका काम शुरू करना पड़ेगा, अब हम दोनों मिलकर शेयर करने वाले हैं, मैं अकेले नहीं, ये भी रहेंगे वीडियो में साथ में। तो हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले सब्जी लेने, नहीं पहले टी रेट, ओके हाँ नहीं सब्जी वाले, फिर पहले सब्जी चाहिए, खाना कैसे बनेगा सब्जी बिना, खाना कैसे बनेगा। सो यस, सो अभी हम लोग जा रहे हैं वेजिटेबल डेट पे, वेजिटेबल डेट, उसके बाद हम लोग जाएंगे वेजिटेबल डेट। पूरा पूरा सामान रखा है पीछे ग्रोसरी का, और अब वेजिटेबल, और वो सब लगाना मेरे लिए मुझे बहुत आलस आता है, घर में जाओ फिर वहाँ पे रख दो फिर लगाओ उसे बैठ के, बहुत ही बुरा काम होता है वो, हम लगाना पर पड़ता है। तो मैं बहुत सारा सामान लिया, हमने एक नई ग्रोसरी शॉप देखी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब दाल वाल सब बहुत ज़्यादा सस्ती थी, तो मैं सारी तरह की दाल उठा के ले आई, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है सेहत के लिए, तो मैं हर तरह की दाल ले आई हूँ। हाँ, मूंग दाल भी ले आई हूँ, क्योंकि मंगवाड़े की रेसिपी आप लोग पूछ रहे थे, तो उस टाइम मेरे पास मूंग दाल नहीं थी, अब मैं मंगवाड़े बनाऊंगी, मंगवाड़े यम। और कैथा जानते हैं आप लोग, कैथा क्या होता है, कैथा क्या होता है राजा? I don't know. कैथा होता है, उसकी चटनी बनती है बहुत अच्छी, वो मंगवाड़े के साथ बहुत औसम लगती है। अगर मुझे अभी सब्जी मंडी में कैथा मिलता है तो दिखाऊंगी मैं वो कैथा कैसा होता है, कैसा होता है, उसकी चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। मैं सब्जी मंडी में पहुंच गई हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, मैं सब्जी ले लूँगी। कल कार में व्लॉग ज्यादा हो रहे हैं घर के हिसाब से, बट कल से घर में शुरू हो जाएंगे। आओ, क्योंकि कल सामान अभी सामान पूरा होना था, अब सारा हो गया है, और हाँ सामान हो गया, और कैथा मुझे नहीं मिला है। कैथा मैं आपको बताती हूँ कैसा होता है, कैथा जरूर बनाया कैथे का, इन्हें गाना बनाया, बताओ कैसे क्या? बने भैया कैसे बने भैया कैसे बने, बिना कैथे की चटनी कैसे बने, बिना कैथे की चटनी कैसे बने। ओह माय गॉड, वाओ वाओ, कैसा हाँ, बहुत अच्छा गाना बनाया मैंने, बहुत अच्छा गाना बनाया। तो हाँ, कैथा बहुत अच्छा बनाया, मैं तुम्हारा रिकॉर्ड कर दूंगी प्रॉपर। हाँ, जो कैथा जो रहता है, शिट, कुछ गिरा तुम्हारा नहीं गिरा, वो उठा लेंगे जिनका गिरा है, गाजर है शायद, गाजर की पन्नी। हाँ, तो कैथा जो होता है ना, ये मुझे अगर बोलने दे तो, कैथा एक जैसे बॉल होती है ना वैसा दिखता है, बट उसका जो कलर रहता है वो लाइट ग्रीन कलर का रहता है, और वो बहुत ज्यादा टफ होता है बाहर से उसे तोड़ने में, तो तोड़ती हूँ पता है मैं ऐसे किसी चीज से तोड़ना, जैसे कि हथौड़ी से, किसी तोड़ना उसके अंदर, हाँ उसके अंदर निकलता है एक खट्टा खट्टा मटेरियल, बहुत ज्यादा खट्टा रहता है, और उसमें कुछ अलग सी वो भी रहती है, पर आपको जब चटनी बनानी पड़ती है तो वो इतना सा डालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पूरा कैथा डाल दोगे तो चटनी हद खट्टी हो जाएगी,
तो धनिए और नॉर्मल धनिए की चटनी टाइप की चटनी बनती है, बस उसमें कैथा ऐड हो जाता है, उसका फ्लेवर इज ऑसम और उसमें मिंट डाल दो आप तो वो अमेजिंग लगने लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने तो बना दिया, मेरे को यहाँ नहीं मिला है, पर ये ढूंढ के लाएंगे मेरे लिए कैथा। मेरे हस्बैंड पागल हो गए। हाँ गाओ, हाँ गाओ। कैसे बने चटनी, कैसे बने, कैसे बने चटनी, कैसे बने बिना कैथे के चटनी, कैसे बने। तो पहले भी तो यही था, कैथे के चटनी, पहले ही था, कैसे बने। दूसरा था, अच्छा मुझे चेक करना, चटनी नहीं आ रहा था ना। अच्छा चटनी नहीं आ रही थी, अब आ गया चटनी। अच्छा, ओह माय गॉड, ये तो आज गाने गाने बजा रहे हैं मेरे। एक और गाना है। हाँ बनाओ। कैसे बने भैया, कैसे बने, कैसे बने हलवा, कैसे बने बिना गाजर के हलवा, कैसे बने। ओ माय गॉड, गाजर के हलवा कैसे। दो दो, देखिए चाय मंगवा रहे हैं अभी। सिर्फ ये हॉर्न बजाते हैं उसे पता चल जाता है कि हम लोग आ गए हैं। सो इनका गाना सुन लिया आपने? दो सॉन्ग्स। यस, हाँ। सो ये गाना ही गाते रहेंगे। ये पता है बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं आप, कभी भी कोई भी गाना रहता है उसे बहुत अच्छे से रिफॉर्म करते हैं और उस गाने को फिर ये अभी ऐसे वाला गाना है ना, ये पूरी रात गाएंगे। या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, अगर आप कोई गाना मुंह पे आ गया है तो वो बार बार वो आता रहेगा। अभी मेरे को पूरी रात इसी कैथा 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 कैथा, मैंने सिर्फ एक बार कैथा बोला तो उस पर गाने बन गए। कैथे जैसी पड़ी है चटनी है या लड़की है, मतलब अब तो कुछ भी हो गया, अब हो गया कुछ भी। अब कुछ भी हो गया, तुम स्नैपचैट कर लो भैया। शिट मैन, अभी नहीं करना, घर पे करना, भी लाइट अच्छी नहीं है। अरे स्नैपचैट, मेरे को स्नैपचैट का भूत नहीं चढ़ा हुआ, इन्हें स्नैपचैट का भूत चढ़ गया है, तो ये पागल हो गए। मैंने सिर्फ स्नैपचैट बोला था डाउनलोड कर लो, अभी इन्हें भूत चढ़ चुका है उसका। अब ये थोड़ी देर तक पगलाएंगे उसी में, बट ऐसा ही सही रहता है, मतलब कि हंसते खेलते पति सही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हंसते खेलते, हाँ ये हंसते रहते खेलते भी रहते हैं, हंसते खेलते पति हैं ये। अब ये लग गए हैं स्नैपचैट पे। यस, बट इट्स नॉट वर्किंग हियर। इट विल वर्क, आई डोंट थिंक सो। यस, फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होगा ना। या अब मैं आपको इनके स्नैपचैट के वो दिखाऊंगी कि किस तरह के पोस्ट देते हैं। लव स्टोरी में प्लीज आराम से रहना, ये लव स्टोरी में मुझे हंसाते रहेंगे और लव स्टोरी ना फनी स्टोरी बन जाएगी। सो मच कॉन्सेंट्रेटेड। ओह शिट मैन, व्हाट हैपेंड, हो गया क्या हुआ? फोन कैसे ऑफ हो गया? मेरा वो लग गया तुम्हें कि ओह स्नैपचैट स्नैपचैट वो ऑन हो जाए। नजर लगा दी यार, फोन ऑन नहीं हो रहा। देखा मेरी कितनी काली नजर है। योर नजर इज लाइक योर टॉप, काला ब्लैक टॉप एंड योर काली नजर। हाय स्नैपचैट के बिना कैसे होगे, डोंट डू दिस, ये मेरा फेस है स्नैपचैट का। ये इनका फेवरेट काम है, ये जब देखो चढ़ाते रहते। पहले मुझे बहुत मुंह चढ़ा मजाक में। तुम जीभ निकालने की आदत नहीं जानी तुम्हारी। ए देखो ऐसे, ए नहीं, वो कैसे करता था? इतना गंदा मत कर। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, सब हंसेंगे यार, मुझे हंसी आ रही है। ऐसे ही नॉर्मल देखो, तुम्हारी आईब्रो बड़ी अच्छी। देखो मेरी आईब्रो तो नहीं होती। अरे ऑन नहीं हो रहा, क्या उन क्या हो गया? तो मैं इनका फोन ऑन कराती फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना बड़े पागलपंती करने वाले। अभी फोन ऑन हो गया बहुत। नो फिर बैटरी कितनी थी? एक्चुअली मैं अभी दो तीन पहले आई थिंक हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम, मेरा फोन ऑफ हुआ था फॉर 5 मिनट्स और मेरे को लगा फोन मर गया है। मैंने बैटरी वगैरह सब कुछ कोशिश करी पर मेरे को लगा मैं फोन तोड़ दूंगी, मुझे बैटरी निकालनी नहीं आती अपने फोन की।
और फिर वो थोड़ी देर बाद खुद चालू हुआ। मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि सुबह से मेरा फ़ोन बंद हो गया, और फ़ोन के बिना काम नहीं चलता है, मतलब चलता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं मेरा चलता तो दौड़ता है। ही नहीं है फोन के बिना। फोन एक दिन बंद हो जाए तो मेरा तो, मैं का फोन एक दिन बंद हो जाए तो शायद मैं पागल हो जाऊंगी। बट अगर हम पचमढ़ी जा रहे हैं तो तुम्हें फोन यूज करने की परमिशन नहीं है। हाँ, तुम्हें तुम फोन यूज नहीं करोगे, सिर्फ मैं यूज करूंगी क्योंकि मुझे ब्लॉग्स वगैरह डालने हैं। तो वहां से भी आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, फ्रेश फ्रेश नए नए, मतलब जैसे मैं आज पचमढ़ी घूम रही हूँ तो सुबह आपको ब्लॉग मिल जाएगा। तो अमेजिंग ना पचमढ़ी। ओ कितनी दयाल है, मैंने तो ऐसे ही बोला था। नजर लगे अब प्लीज गाना ना है। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे दिखाओ तो कहानी हो चीज़, गई। चीज़, चीज़, गाइस, चीज़। जो रब ने न मानी तो मैंने मेरे तरफ से किसको चाय पीनी है पी सकता है, लीजिए। जहाँ तुम मेरा गाना खराब कर दिया तुमने। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। वाह 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 वाह। स्ट्रीच बैग और बोजो को हम छत पे घुमा के लाए हैं। बोजो काफी दौड़ के आया है तो अब हम उसे कम से कम 5-6 किलो उसका वेट कम करना है गर्मी आने से पहले, क्योंकि उसने काफी वेट पुट ऑन कर लिया ठंड में। तो वो 15 मिनट अभी भाग के आया है पूरा घर पे। उसे सिर्फ खुला छोड़ दो, उसे जगह खुली दे दो तो वो आलसी नहीं है, वो घूमता रहेगा वहाँ पे। फिर वो आधे घंटे जितने घंटे उसे घूमना है वो घूमता रहता है। तो वो भी घूम के आया है और हम लोग अभी आए हैं, मतलब उसे घुमा के मुझे सांस चढ़ गया क्योंकि मैं उसको पीछे पीछे खेल भी रही थी उसके साथ। तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। ये ब्लॉग छोटा सा था बट मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं तो इसे देखना तो बनता ही है ना। तुमने तो अच्छे अच्छे गाने गाए हैं तो देखना तो बनता ही है ना। Yeah. बोनी का है? बोनी जाओ। बोनी जाओ। बोना थक गया है बोजा, बोजा थक गया है बोजा। बनी आज बोजो नंगू है, आज बोजो नंगू है, आज ही तो बोजो नंगू है, मेरा नंगू बोजो है। ओली ओली मेरा बोजो जो नंगू है। चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आजो ओ। तो ये देखिए पूरा सामान जो मैं अभी लेके आई हूँ पूरा फैला हुआ, मुझे लगाना है। और अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बोलो जाना चाहता है यहाँ से, मुझे वांट टू गो। मैंने कैसे गाना गाया ये कमेंट करिए। हाँ, इनने कैसा गाना गाया वो कमेंट करिए। और अब मैं आपसे मिलती हूँ कल 11 बजे और ट्राई ऑन हॉल आने वाला है। एक कैसा गाना गाया वो भी कमेंट करिए। यस, उसको अपना अप्रिशिएट करिए कि और सो हाँ, तो ये बातें हैं। और एक ट्राई ऑन हॉल आने वाला है 1-2 दिन में, उसका वेट करिए। गेट रेडी विथ मी आने वाला है वैलेंटाइन डे और मेरी एनिवर्सरी का। मैं बर्थडे का रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी सो यस। तो अब मैं आप लोगों से कहती हूँ बाय, आई लव यू ऑल।